हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सस्मिता मिश्रा, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज करेंगे। लुक एट योर बुक एंड ओपन द चैप्टर चेक पॉइंट 2.3। नंबर वन, कनिका स्पेंड 13,422 ऑन एयरफेयर, 5,767 ऑन होटल एकोमोडेशन एंड 6,505 ऑन एन एग्जीबिशन टिकट। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? तो हम आंसर लिखेंगे, कनिका स्पेंड 13,422 ऑन एयरफेयर, 5,767 ऑन होटल एकोमोडेशन, 6,505 ऑन एन एग्जीबिशन टिकट। सी स्पेंड ऑल टुगेदर इक्वल टू, हम तीनों को प्लस करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व करने का फाइव स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, रीड द प्रॉब्लम स्लोली एंड केयरफुली ट्वाइस। पहले हम जो प्रॉब्लम दिया है उसको हम दो बार पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नंबर टू, गेट द मेन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। पहले उसका मेन आइडिया क्या है, जैसे यहाँ पे कनिका स्पेंड 13,422 ऑन एयरफेयर, 5,676 ऑन होटल एकोमोडेशन एंड 6,505 ऑन एन एग्जीबिशन टिकट। तो उसने क्या किया है, तो हमारा मेन आइडिया जो क्या है कि उसने इतने खर्च किए एयरफेयर पे, इतने खर्च किए होटल एकोमोडेशन पे और इतने खर्च किए एग्जीबिशन टिकट पे, ठीक है। तो ये हमारा मेन आइडिया है। अब नंबर थ्री, डिसाइड व्हाट टू डू। तो हमें क्या करना है, अगर हम उसको प्लस करेंगे तो उसका हमारा आंसर निकल आएगा कि उसने क्या करने के लिए कहा है, ठीक है। जैसे उसने, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। उस कहा है कि उसने एक साथ कितने खर्च किए। अब नंबर फोर, सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने सॉल्व किया, तीनों को प्लस किया, 25,694। अब चेक योर आंसर, और एक बार हमें आंसर चेक करना है। तो हमने आंसर करेक्ट किया है, तो हम लिखेंगे दैरफोर कनिका स्पेंड 25,694 इन ऑल टुगेदर। नंबर टू, इन ए लाइब्रेरी देर आर 12,005 बुक्स ऑन साइंस, 7,507 बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड 26,666 बुक्स ऑन ज्योग्राफी। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल इन द लाइब्रेरी। आंसर देखें, इन ए लाइब्रेरी देर आर 12,005 बुक्स ऑन साइंस, 7,507 बुक्स ऑन हिस्ट्री, 26,666 बुक्स इन ज्योग्राफी। टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, तो हमें निकालने के लिए बोला है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल इन द लाइब्रेरी, टोटल बुक्स कितने हैं उधर। तो हमने तीनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया 56,178। देर आर 56,178 बुक्स इन ऑल इन द लाइब्रेरी। अब आते हैं नंबर थ्री पे, ए कार डीलर परचेज ए सेकेंड हैंड कार फॉर 1,54,746 एंड स्पेंड 86,587 फॉर
repairing it and buying various accessories. What is the total amount spent by the car dealer on the car? तो कहा है कि कार डीलर ने एक सेकेंड हैंड कार परचेज किया 1,54,746 में एंड स्पेंड किया उस पर 86,587. तो हमें क्या करने के लिए बोला, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द कार डीलर ऑन द कार, टोटल अमाउंट. तो हम आंसर लिखेंगे ए कार डीलर परचेज ए सेकेंड हैंड कार फॉर 1,54,746 एंड स्पेंड 86,587 फॉर रिपेयरिंग इट एंड बाइंग एसेसरीज. फॉर द टोटल अमाउंट दोनों को प्लस करेंगे तो उसका टोटल अमाउंट उसने कितने स्पेंड किए हैं पता चल जाएगा. द कार डीलर स्पेंड 241,333 ऑन द कार. नंबर फोर, मिस्टर सुधीर डील्स इन मोबाइल फोन्स. इन 2013 he sold 10,678 phones and in 2014 he sold 25,672 phones. How many mobiles phone did he sell altogether? Answer dekhenge. In 2013 Mr. Sudhir sold 10,678 phones and in 2014 he sold 25,672 phones. He sell all together, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आया 36,350. In 2 years he sell 36,350 phones. Number 5, Mr. Wasim has 5,003 in a bank. He wants to have 15,000 in the bank. How much more money does he need to save? तो वसीम के पास 5,003 हैं बैंक में. ही वॉन्ट टू हैव 15,000 इन द बैंक. तो उनको चाहिए 15,000 बैंक में. तो हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू सेव, और कितने मनी उनको सेव करने के लिए ज़रूरी है. सेव करेंगे तभी जाके 15,000 होगा. तो हमने ये लिख लिया. अब मच मोर मनी ही नीड टू सेव इक्वल टू 15,000 से 5,003 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आया 9,997. ही नीड 9,997 मोर मनी टू सेव. नंबर 6, द टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर इज 63,287. द टोटल कॉस्ट वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का टोटल कॉस्ट इतना है. इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 17,527 फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. तो हमें रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट निकालना है. तो इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 17,527 देन द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर है 45,760. द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 45,760. Number 7, what must be added in 30,200 to get 34,500? तो हमें 30,200 में कितना ऐड करेंगे तो वो होगा 34,500. तो हम अगर दोनों को माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा 4,300. Find a number 8,623 less than 56,789. तो कौन सा नंबर होगा जो कि 8,623 लेस देन 56,789. तो हम अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 48,168. द नंबर इज 48,168. तो आज हमने चेक पॉइंट 2.3 का कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में चेक पॉइंट 2.4 का करेंगे. Thank you.